डियर फ्रेंड, आज हमारे साथ में सर हैं, वो आपको अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि क्या कंपनी है, क्या बेसिकली डील करती है, कौन कौन सी प्रोफाइल्स में उनको कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी में भी हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट मैं आप सबको इन्वाइट करूँगा कि जितने लोग भी जिनकी प्रोफाइल मैच कर रही हो उस वो सारी इस प्रोफाइल में आ सकते हैं, अपने रिज्यूम शेयर कर सकते हैं और जा भी सकते हैं, क्योंकि एक बल्क में भी रिक्वायरमेंट है और उनको राइट कैंडिडेट चाहिए, मेच्योर चाहिए, वो जो एक्सक्यूजेज वाले कैंडिडेट हैं हर दूसरे दिन बता रहे हैं ये समस्या वो समस्या नहीं करने जा रहे हैं, उससे वो बचना भी चाहते हैं, तो उनको वो चाहिए जो वाकई में जरूरत भी जिनको है, फैमिली चलाने में जिनको जरूरत है, मेच्योर चाहिए, डिपेंड एक उनको चाहिए, उनको जॉब की जरूरत है, हर 6 महीने में बदलने वाले लोग नहीं चाहिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा जो मैंने बेसिक समझा है। आपसे सर मैं कहूँगा 2 मिनट कैंडिडेट्स को आप बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या प्रोफाइल्स है और क्या क्या प्रोफाइल्स में आप कैंडिडेट चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिमेश है, मेरी एक फैक्ट्री लग रही है पनकी साइड 4 में गैस प्लांट के बगल में, तो मैं चाहता हूँ मेरे को पूरी लॉबी ऑफ स्टाफ चाहिए जिसमें हेल्पर्स, मशीन ऑपरेटर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स, इनफैक्ट CNC चला लेने वाले लोगों को मैं एंटरटेन करूँगा। मुझे हेल्पर्स की ज़रूरत है, हैंड प्रेस चलानी आनी चाहिए और मशीन में पावर प्रेसेस हैं, सरफेस ग्राइंडर है, इन टाइप की मशीन्स हो और कंप्यूटर में टैली, ऑटोकैड और एक्सेल भी आता हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टैली और एक्सेल का, टैली और ऑटोकैड का अलग अलग बंदा चलेगा, लेकिन टैली और एक्सेल का दोनों एक ही आदमी को आनी चाहिए, ये हमारे रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ ही धीरे धीरे जैसे लोग आते जाएंगे हम एंटरटेन करेंगे। ठीक, बेसिकली एक ऑटोकैड एक अलग प्रोफाइल हो गई, जिन्होंने काम किया ऑटोकैड में, सॉलिड वर्क में एक अलग प्रोफाइल है। सेकंड एक्सेल और टैली, ये बेसिक जो प्रोफाइल है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर में कैंडिडेट चाहिए, ऑटोकैड में थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट चाहिए होंगे, ये 2 मेजर प्रोफाइल है और हेल्पर एक प्रोफाइल है। साथ ही साथ में जो टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी इंटरटेन किए जा सकते हैं, जिनको इस तरह की नॉलेज हो, सबने बताया टेक्निकल बैकग्राउंड से। जहाँ तक बात सैलरी रेंज की है, वो डिपेंडिंग ऑन पर्सन एक्सपीरियंस वो मैक्सिमम 20 तक भी जा सकती है, एवरेज 10 भी आ सकती है, 12 भी आ सकती है, जो जिस रेंज का है वो उस हिसाब से जा सकता है, क्योंकि ये इनकी फैक्ट्री एक एक्सटेंशन फॉर्म है, एक और एक्सटेंड कर रही है, तो उसके हिसाब से ये इनको कैंडिडेट चाहिए होंगे। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो शेयर ऑफ रिज्यूम कर लेंगे और वो इंटरव्यूज देने के लिए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़, mysorejob.com।